हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स विषय कोड 102 के यूनिट 9.4 बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिरोध का प्रत्यावृत्ति धारा परिपथ में जो बिहेवियर होगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले आपने ओम का नियम का प्रयोग करके छोटी क्लासों में दिष्ट धारा परिपथ जो होता है उसके अंदर प्रतिरोध किस तरह से बिहेवियर करता है उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब इसमें अगर हम प्रतिरोध को किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता स्रोत के साथ अगर जोड़ते हैं तो उस केस में क्या इसका बिहेवियर रहेगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है कि आप परिपथ में देख सकते हैं, इस परिपथ में मैंने एक प्रतिरोध को जो है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत यानी कि जिसका वोल्टेज V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा मैंने तो यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रही है जो है आई करंट। इसकी वैल्यू जो है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, इसलिए धारा भी कौन सी होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। अब देखते हैं कि इस धारा का मान क्या होगा और इस वोल्टेज और इस धारा के मध्य क्या संबंध आता है। ठीक है, तो जैसा कि चित्र में चित्रानुसार मैंने क्या किया है, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ा है। तो अगर मैं इसमें किरचॉफ का नियम लगाता हूँ तो किरचॉफ का नियम क्या होगा, सेकंड नियम लगाना है हमें जो लूप का नियम है वो। तो अब परिपथ में किरचॉफ के लूप का नियम लगाने पर इसमें लगाने पर क्या होगा कि जो ये पूरी की पूरी वोल्टेज है हमारी, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी वोल्टेज है जो स्रोत है इस परिपथ को दे रहा है वो सारी की सारी वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है, एलिमेंट क्या है इसके अंदर, एक ही है रेजिस्टेंस, सारी की सारी वोल्टेज हमें रेजिस्टेंस पे मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन लूप का नियम लगाते हैं तो V माइनस वी आर बराबर जीरो। ठीक है, तो वी आर बराबर क्या हो गया, V जो इस स्रोत की वोल्टता के बराबर हो जाएगी, और V का मान कितना है समीकरण एक से देखें तो वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया वी आर बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ओम के नियम से आते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि जो हमारे पास इस पर वोल्टता पतन होता है वो वोल्टता पतन किसके बराबर होता है, वो होता है I इंटू आर के बराबर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस के। तो वी आर बराबर क्या हो गया, I इंटू आर हो गया। ठीक है, किसी क्षण पे हमने वैल्यू कितनी मान ली, आई मान ली धारा की, तो वो हो गया आई इंटू आर। तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस करने पर हमारे पास आएगा आई आर बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है तो रेजिस्टेंस को डिवाइड में ले जाएंगे तो वी एम, तो आई बराबर वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, और इस वी एम बाई आर को मैं एक नई वैल्यू देता हूँ जो है हमारे पास आई एम। इस आई एम का मतलब क्या है, आई एम का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर दो। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण जो है इनको अपन कंपेयर करते हैं। समीकरण एक जो है वो किसको दे रहा है, वो दे रहा है हमारे पास जो प्रत्यावृत्ति स्रोत है वो कितनी वोल्टता दे रहा है उसका मान, और ये जो है समीकरण दो है ये बताता है कि जब रेजिस्टेंस को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें धारा जो प्रवाहित होगी उस धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप, इसमें भी साइन ओमेगा टी, इसमें भी फलन क्या आ रहा है साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके मध्य कोई भी कलांतर नहीं होता है, किनके, प्रत्यावर्ती वोल्टता और जो प्रतिरोध में से बहने वाली धारा है उन दोनों के मध्य कोई भी कलांतर नहीं होता है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो साइन फलन है तो साइन के बारे में आपको पता है, पहले हम बनाते हैं वोल्टता का ग्राफ। तो वोल्टता ग्राफ क्या होगा, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग थीटा बराबर जीरो पे साइन का मान कितना होता है जीरो, तो ये जीरो आ गया। उसके बाद थीटा बराबर 90 पे साइन का मान एक, तो किसके बराबर हुआ वी एम के बराबर। फिर पाई पे कितना होता है साइन का मान जीरो, तो फिर से जीरो पे पहुंच गए। फिर उसके बाद थ्री पाई बाई टू पे कितना होता है माइनस वन, तो यहाँ पहुंच गए। और टू पाई पे कितना होता है, टू पाई पे होता है जीरो, तो फिर से हमारे पास ये साइन का ग्राफ बन गया। इसी तरह से जब अपन इस धारा का ग्राफ बनाएंगे, धारा के ग्राफ में भी क्या हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान क्या होगा रेजिस्टेंस का, हम उस शिखर मान में भाग दे रहे हैं वी एम में, थोड़ा सा कम आ जाता है, तो हमने इसको कम ले लिया और इसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका
टाइम और इसकी वैल्यू के मध्य ग्राफ जो साइन की तरह बन रहा है क्योंकि साइन का फलन है। इसी तरह से जो दूसरा है फेजर जिसको आरेक बोलते हैं, फेजर डायग्राम जिसको बोलते हैं, तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि फलन को अगर आप देखते हैं तो वीएम में क्या आता है, सॉरी वोल्टेज का जो फलन आता है वो क्या आता है, वीएम साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो शिखर मान है उसमें कलांतर कितना आ रहा है, ओमेगा टी का कलांतर आ रहा। तो हमने ओमेगा टी एंगल पर, ठीक है, ओमेगा टी एंगल पे क्या लिया, वीएम लिया। और साइन में भी कितना आ रहा है, साइन में भी आ रहा है आई बर सॉरी करंट में कितना आ रहा है, करंट में आ रहा है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसमें भी कितना आ रहा है एंगल, इनिशियल एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा टी। तो ये भी क्या होगा, दोनों सेम एंगल पे होंगे यानी कि इनके अंदर कोई कलांतर नहीं होगा। तो वीएम जो होगा वो बड़ा और आई को हमने आई एम को थोड़ा छोटा लिया है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, स्ट्रेट लाइन पर होंगे, इनके मध्य कोई भी कलांतर नहीं होगा। ये हो गया इसका फेजर डायग्राम, एक बार देख लीजिए इनको पूरे भी।